बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको रीड आउट कर लेते हैं। मिस्टर रिजवान कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 1 जनवरी 2007 इज एज अंडर कैश ₹200, स्टॉक 9600, डेटर्स ₹6500, फर्नीचर 1400, कैश एट बैंक ₹2300, क्रेडिटर्स ₹15000, मशीनरी ₹16500। ये ओपनिंग डाटा आपको गिवन है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ गिवन है 1 जनवरी 2007 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर रिजवान विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस ₹700 एंड पेड ₹100 फॉर प्रीमियम ऑन हिज लाइफ। इसका मतलब है कि उसने जो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजनेस से रकम निकलवाई है वो 700 है एंड पेड ₹100 फॉर प्रीमियम ऑन हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी का उसने प्रीमियम भी अदा किया यानी मुनाफा अदा किया, तो ये भी पर्सनल एक्सपेंस है। तो इसका मतलब है ये ₹100 भी ड्राइंग्स में इंक्लूड होंगे। 700 प्लस 100 तो टोटल ड्राइंग्स होंगी 800, क्योंकि ये भी ऑन हिज लाइफ यानी पर्सनल लाइफ के लिए उसने एक्सपेंस किया है प्रीमियम, तो ये भी उसकी ड्राइंग्स में इंक्लूड होंगी। ऑन 31 दिसंबर 2007 हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज, अब 31 दिसंबर के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ गिवन है, कैश ₹250, स्टॉक 13700, डेटर्स 11000, फर्नीचर 1000, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है स्टूडेंट्स 8500, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 22000, मशीनरी 16000, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे आपने फाइंड करनी है 10%, एंड ऑन फर्नीचर एट 5%, और फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन लेनी है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 6% लेना है। रिक्वायरमेंट है असर्टन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2007, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है 2007 का, यानी आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ओपनिंग कैपिटल भी नहीं गिवन, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं गिवन, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और फिर आप क्लोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो कि ओपनिंग डाटा आपको गिवन है उससे बनेगी। हेडिंग्स देख लें। सबसे पहले मिस्टर रिजवान का बिजनेस है, मिस्टर रिजवान लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बनाएंगे क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है। एस ऑन 1 जनवरी 2007, 4 कॉलम होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के, एसेट्स लाइबिलिटीज़ रुपीज़। अब सबसे पहले एसेट्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन में आपको जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के डाटा गिवन था वो हम नोट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सबसे पहले कैश ओपनिंग गिवन थी 200, एसेट है कैश, स्टॉक भी एसेट है 9600, डेटर्स एसेट होते हैं 6500 रुपीज़, कैश एट बैंक एसेट है 2300, फर्नीचर एसेट है 1400, मशीनरी भी एसेट है 16500, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 15000। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रहे कि जितनी भी एडजस्टमेंट हम क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें गिवन होती है, उसको हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग में हम एडजस्ट नहीं करेंगे। इस वजह से ना हमने डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करेंगे, ना कोई और एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में होगी वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप बना रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी 1 जनवरी 2007 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं। अगर आप बनाते 31 दिसंबर 2007 की तो उसमें एडजस्टमेंट करते। अब आपने क्या करना होगा, अमाउंट्स के कॉलम का सम करें, रुपीज़ को सम करें, एसेट्स के साइड को भी ऐड करना है, लाइबिलिटीज़ को भी देखें कि एसेट्स ग्रेटर हैं या लाइबिलिटीज़ ग्रेटर हैं। अगर तो एसेट्स यहाँ पे आपने जब एसेट्स को ऐड किया, तमाम एसेट्स की अमाउंट को ऐड किया, तो आंसर आया 36500।
अब जो लाइबिलिटीज़ थी वो 15,000 थी, तो इट्स मीन आपके एसेट्स ज़्यादा हैं, तो एसेट्स को क्रेडिट साइड पे यानी लाइबिलिटी साइड पे भी लिखेंगे 36,500, उसमें से 15,000 आप माइनस कर दें, ये 15,000 जो कि क्रेडिटर्स की अमाउंट है, लाइबिलिटी की अमाउंट है, उसको माइनस करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको मालूम हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और वो है 21,500 रुपीज़। ये आपका था ओपनिंग कैपिटल, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लिया। नेक्स्ट आप मालूम करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए स्टूडेंट्स वही रूल्स एंड रेगुलेशन, वही आपकी हेडिंग्स होती हैं, जस्ट आपने डेट चेंज करनी है 31 दिसंबर 2007, बाकी वही हेडिंग्स हैं और कॉलम हैं एसेट्स रुपीज़ लाइबिलिटीज़ रुपीज़। तो आइए देखते हैं कि क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कौन कौन से क्वेश्चन में गिवन हैं। सबसे पहले कैश गिवन है 250, ये आपकी क्लोजिंग कैश गिवन है जो 31 दिसंबर 2007 की है, वो लिखनी है। स्टॉक आपको गिवन है 13,700, डेटर्स गिवन है 11,000, फर्नीचर 1,000 गिवन है, ये है इनर कॉलम, आपने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन भी है, माइनस डेप्रिसिएशन। अब 5% डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे आपको गिवन है, मालूम करनी है आपने 5% कितना बनता है, 1,000 का आप 5% ले लें तो 50 रुपीज़ बनते हैं। अब 1,000 में से 50 माइनस कर दें, ये जो कैलकुलेशन आप करते हैं ये इनर कॉलम में करेंगे और जो नेट आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे, ये आउटर कॉलम में बच्चों 950। नेक्स्ट आप मशीनरी लिखेंगे, एसेट है मशीनरी, क्वेश्चन में गिवन है 16,000 माइनस डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो 10% लेनी है, जबकि फर्नीचर पे आपको जो लेनी थी वो 5% लेनी थी, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो उसके मुताबिक ही आप काम करेंगे। माइनस डेप्रिसिएशन आपको मालूम करनी है तो 16,000 का 10% लें तो 1,600 रहेगा, तो 16,000 में से 1,600 माइनस करें तो आपका आंसर 14,400 आएगा जो कि नेट आंसर है आउटर कॉलम में लिखा। लाइबिलिटी साइड पे आएँ तो लाइबिलिटी एक तो क्रेडिटर्स गिवन है 22,000 और एक ओवरड्राफ्ट, वो भी लाइबिलिटी है जो कि 8,500 रुपीज़ गिवन है। अब आपने क्या करना होगा कि अमाउंट का एसेट्स की साइड को भी टोटल करें अमाउंट को और लाइबिलिटी की साइड को भी टोटल करें। एसेट्स का टोटल आए हैं 40,300, तो आपकी एसेट साइड ग्रेटर है, इसको लाइबिलिटी साइड पे भी लिखेंगे 40,300, तो उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दें यानी लाइबिलिटीज़ की ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आएगा 9,800, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब आपने मालूम करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मेन आपने वही स्टेटमेंट बना दी थी क्वेश्चन में, लेकिन आपने क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले मालूम किया। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो हेडिंग सबसे पहले देखें, सबसे पहले नेम है मिस्टर रिजवान, सेकंड लाइन पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और थर्ड लाइन पे लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड डाउन 31 दिसंबर 2007, क्योंकि ये टाइम पीरियड हमेशा उसी वक्त मनाएंगे जब टाइम पीरियड या पीरियड एंड होता है, ईयर एंड होता है, तो ये 31 दिसंबर 2007 को एंड हो रहा है। सबसे पहले फार्मूले में लिखा रहता है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपने मालूम किया है 9,800, अभी आपको मैं दिखा भी देती हूँ किधर आपने मालूम किया। क्लोजिंग कैपिटल का जो आंसर था 9,800 आपने फाइंड किया क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के। अब आपने उसमें ड्राइंग्स को ऐड करना है, तो प्लस ड्राइंग्स, अब 700 ड्राइंग्स नहीं थी उसमें, जो प्रीमियम ऑन हिज लाइफ वो भी आपने ऐड किया 100 रुपीज़, तो टोटल ड्राइंग्स बन गई 800 रुपीज़, तो आप 800 ऐड करेंगे इसमें, 9,800 में 800 ऐड करें तो 10,600 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपने ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, अब ओपनिंग कैपिटल आपको जो मालूम आपने किया है वो 21,500 आपने पीछे मालूम किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, क्योंकि इन दोनों को कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं। अब ये बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एडजस्टमेंट में गिवन था कितने परसेंट, 6% पर एनम,
तो आपने ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि एक क्लोजिंग कैपिटल में हमने ऐड क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इस वजह से नहीं करते क्योंकि इंटरेस्ट आप एक दिन या उसी दिन आपने अगर कैपिटल यूज़ एक दिन के लिए यूज़ किया तो इंटरेस्ट एक दिन के लिए फाइंड नहीं करते, बल्कि जितना कैपिटल आप बिज़नेस में ओपनिंग लेके आए पूरा साल वो बिज़नेस में कैपिटल यूज़ हुआ, तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग कैपिटल जो कि 1 जनवरी को आप बिज़नेस में लेके आए तो वो पूरा साल बिज़नेस में यूज़ हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2007 तक वो आपका जो ओपनिंग कैपिटल था पूरा साल यूज़ हुआ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप 6% लेंगे, तो वो आपका बनेगा 1290। तो 21,000 का 6% लें, 1290। आप इन दोनों को ऐड करें क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपका ये आंसर आया 22,790। ये आउटर कॉलम में नेट आंसर लिखें। अब इसमें से 10,600 में से आपने 22,790 को माइनस करना है तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी अमाउंट छोटी है, ये छोटी अमाउंट है और ये 22,790 बड़ी अमाउंट है, तो आपका आंसर है 12,190। ये आपका नेट लॉस आएगा। पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें नेट प्रॉफिट आते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका नेट लॉस आ रहा है क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट भी आ सकते हैं और इसमें लॉस भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको नेट लॉस हुआ, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 12,190।